खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन से एक रात पहले पूरा कानपुर रोशनी से जगमगा उठा। 11 रबी अव्वल जश्न की रात में लोगों ने मोहम्मद साहब को याद किया। नात और कसीदे पढ़कर उनके बताए रास्तों पर चलने का पैगाम दिया। एशिया का सबसे बड़ा जुलूस ए मोहम्मदी की शुरुआत आज परेड ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर की गई। जमूतुल उलमा हिंद जुलूस की रहनुमाई पिछले 70 सालों से करता चला आ रहा है। आज जमूतुल उलमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी ने हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। इस मौके पर कानपुर पुलिस कमिश्नर DM समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। ये जुलूस हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर निकाला जाता है। इस जुलूस की खासियत ये है कि ये जुलूस एशिया का सबसे बड़ा जुलूस है। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के खिलाफ की गई थी, जब अंग्रेज़ों ने किसी तरह से जुलूस को निकलने के लिए पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर जुलूस ए मोहम्मदी को निकाला था। जुलूस परेड ग्राउंड से उठकर शहर के 14 किलोमीटर रूट तय करता हुआ फूलबाग में ख़त्म होता है। जुलूस में शामिल लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए उनकी शान में नात एवं कसीदे पढ़ते हुए चलते हैं और जुलूस के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों की तादाद में स्टाल लगे रहते हैं, जो जुलूस का फूलमालाओं से स्वागत करते हैं और साथ ही लंगर भी दिल खोल के बांटा जाता है। इस बीच 250 से अधिक अंजुमनों के अलावा करीब 3-4 लाख लोग जुलूस में शामिल हुए। कानपुर के इस जुलूस ए मोहम्मदी को एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी माना गया है। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों बिल्लौर व रावतपुर पुखराया और घाटमपुर से भी जुलूस निकाले गए। पुलिस का पुख्ता इंतजाम था। ड्रोन के जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही थी। Yeah.
कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।